राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जयपुर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। संसद में महिला आरक्षण विधेयक के बाद इस सभा में भी नारी शक्ति वंदन की झलक दिखाई दी। आइए बताते हैं मोदी की महासभा की पूरी खबर, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल से विशेष विमान के जरिए जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करने धाणकिया रवाना हुए। वहां पीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, फिर जयपुर के दादिया में परिवर्तन संकल्प महासभा पहुंचे। पीएम की सभा में खुली जीप से एंट्री हुई। सभा में मंच के सामने सड़क से पीएम ने प्रवेश किया। दोनों ओर हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। संसद में महिला आरक्षण अधिनियम के बाद नारी शक्ति वंदन की गूंज राजस्थान में भी दिखाई दी। बीजेपी ने इस महासभा की व्यवस्थाओं को जिम्मा महिलाओं को सौंपा। सभा की व्यवस्थाओं के साथ मंच का संचालन भी राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने यहां जिस तरह की सरकार चलाई है वह 0 नंबर पाने की हकदार है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं, इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्षों में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। मोदी ने गहलोत सरकार पर सीधा अटैक करते हुए कहा, गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहाँ के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर दिए, इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि वे गहलोत सरकार को हटाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे। कांग्रेस ने 5 साल पहले जो वचन दिया था वो कभी पूरा नहीं किया। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।